पहले यहाँ होगा कि 30 दिन का 1.5 हजार डेढ़ लाख। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का गाइस फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में स्वागत है। तो गाइस काफी दिनों से मुझे बार बार कमेंट आ रहा था कि आप आर्टिकल के ऊपर वीडियो बनाओ, और बीच में काफी दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था हमारे ताई के साथ में, विद्याता के साथ में, तो काफी लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सचिन भाई वो वीडियो कब आएगा करके। तो फाइनली आज का वो दिन आ गया और मैं उन्हीं के साथ में, उन्हीं के गाड़ी में, हमारे यहाँ पे विद्याते यहाँ पे बैठे हैं। विद्याते नमस्ते। तो गाइस यहाँ पे हम लोग विद्याते यहाँ पे मेरे को मिलने हैं और मैंने सोचा कि उन्हें उसके ऊपर एक ब्लॉग बनाए गाड़ी के ऊपर भी, और आप लोगों को विद्याते का गाड़ी भी बताता हूँ और विद्याते का एक्सपीरियंस भी बताता हूँ, मतलब पिछले 5 सालों से अर्टिका में चला रहे, ओला उबर में काम करें, तो जो भी उनका एक्सपीरियंस है वो भी आप लोगों को शेयर करेंगे। और बाकी हमारे साथ में और भी भाई है, जैसे इनके पास भी अर्टिका है, कल्पेश भाऊ, इनका भी मैं गाड़ी का एक अच्छा, इनके पास भी अर्टिका है, काफ़ी अच्छा इन्होंने इंटर किया गाड़ी के अंदर, वो भी आप लोगों को आने वाली वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ पे हमारे अशरफ भाई जो स्पेशल हैदराबाद से आए हमसे मिलने के लिए, अच्छा लगा इतने दूर से हमको भाई हमको मिल रहे, तो ठीक है। तो बोला एक ही साथ में हम लोग सब काफ़ी लोग मिले यहाँ पे उनके विद्याते की गाड़ी में, तो एक छोटा सा एक उनका वीडियो गाड़ी का इंट्रो भी दूंगा, गाड़ी का आपको मतलब रिव्यू भी दूंगा किस तरीके से, और विद्याते का स्पेशली आपको एक्सपीरियंस देखूंगा, क्योंकि हमारे ग्रुप में ऐसे एक ही जो लेडीज है जो ओला उबर में काम करते हैं और इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी फेमस है, अच्छे खासे फॉलोअर्स है, तो उनका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इंस्टाग्राम का, वहाँ पे आप उनको फॉलो कर सकते हैं। और ताई पे भी जल्दी यूट्यूब पे आने वाले, तो उसका भी मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, आप लोग उनको भी चैनल को जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, उनको भी सपोर्ट कर, ठीक है। तो जो भी अभी विद्याते का जो एक्सपीरियंस है वो हम लोग उनसे पूछेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना और गाइस चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, देखिए आज की वीडियो को करती है। चलो गाइस आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग पूछेंगे विद्याते को, विद्याते आपका एक्सपीरियंस ओला उबर में और कितने साल में आपको ओला उबर में काम करते हैं? मुझे 2017 से काम कर रही हूँ मैं ओला उबर में। अच्छा। और स्टार्टिंग में मैंने 15 से लेके 16 तक ऑटो चलाई एक अच्छा, तो आप इसके पहले आप ऑटो चलाते? जी, 16 के बाद मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होने लगा कि लोग परेशान करते थे, ऑटो वाले किधर से भी आते थे, कट भी मारते थे, कस्टमर तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे, ऑटो चलाती थी तभी भी अप्रिशिएट करते थे, और जब फोर व्हीलर में आई मैं तभी भी वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे कि आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो जिस फील्ड में औरतों का दूर दूर तक नाम नहीं है, उस फील्ड में आप काम कर रहे हो बहुत बड़ी बात है। जहाँ पे सिर्फ हम लोग अभी भी कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान देश में ही रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उस सब देखते हुए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं औरतों को वो कंपैरिजन करते हैं लोग कि यार लेडीज ये कर पाएगी नहीं कर पाएगी, कहीं ना कहीं वो दिखाते हैं कि औरत है ना, कहीं किसी और ने भी गाड़ी ठोकी होगी तो भी बोलते हैं अरे रास्ता दे दे और लेडीज है नहीं तो ठोक देगी। ये सब बातें हम लोगों को पहले से सुननी मिलती थी, ऑटो में थी तभी भी, और उसके बाद फोर व्हीलर में मेरी पहली गाड़ी वैगनर थी, और वैगनर जब मैं चलाती थी तभी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन कुछ नहीं। फिर वैगनर के बाद ये गाड़ी आपने कभी लिया? ये अभी 2020 में ली मैंने। तो वैगनर में आपको लगा कि ओला उबर में बिजनेस है करके, क्योंकि काफी लोग मेरे वीडियो में भी बोलते हैं और मुझे काफी सारे से कमेंट भी आते हैं कि ओला उबर में बिजनेस है नहीं, लोगों ने ओला उबर में अपने घर तक बेच दिया करके, और जो गाड़ियां ली उनकी ईएमआई भी पेड नहीं हुए। तो मैंने मेरा एक्सपीरियंस जो मैं लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, आप भी थोड़ा शेयर करेंगे ताकि लोगों को पता चले, और स्पेशली तो आप लेडीज हो, महिलाओं की, आप ओला उबर में काम करते हो, तो आपको क्या लगता है इसके अंदर प्रॉफिट है क्या, इसके अंदर हमें काम करना चाहिए? आपने ऑटो से वैगनर पे और वैगनर से आप अर्टिका पे, बराबर जी? तो मेरे ऑटो से वैगनर तक का, वैगनर पहले ही घर में थी तो उसका इतना कुछ नहीं, लेकिन ड्राइवर थे पहले तो वो कुछ दिखाते नहीं थे, सीएनजी में गया, पार्किंग में गया, कस्टमर ने नहीं दिया, फेक बुकिंग था ये वो करके, सिर्फ सीएनजी भी मुझे घर से देनी पड़ती थी उनको, सीएनजी का पैसा भी, तो वो सब ऐसे चूना लगा के निकल जाते थे। और अपनी खुद की गाड़ी होती है ना, जितना इनकम आता है ना उतनी ही लालच बढ़ती है कि नहीं यार बहुत ज़्यादा अच्छा इनकम है। एक कम एजुकेशन के कारण ये अच्छा प्लेटफॉर्म है ओला उबर, कि आप कम एजुकेशन के कारण अगर आपको इस टाइम अच्छे जो प्रोफेशनल जॉब, तो लोग जो बोलते हैं ओला उबर में बिजनेस है, तो आपको उसके ऊपर क्या आंसर होगा? हाँ, ओला उबर में जो जहाँ से मैं आई हूँ, ऑटो से वैगनर, वैगनर से अगर मैं इर्टिका ले रही हूँ, तो बेसिकली 100
परसेंट इनकम होगा, अगर इनकम बहुत अच्छा है, अगर आप डेली का 5,000 कमा रहे हो तो बहुत बढ़िया है। तो एक बात पूछो, आप डेली का कितना अर्न करते हो आज की डेट में? मेरा टारगेट तो रोज वही रहता है 5,000 तो CNG और गैस पार्किंग सब निकाल के मुझे 5,000 रोज का घर पे लेके जाना है। कभी 5 होता है, कभी 3-4 ऐसे हो जाता है। अगर 4 भी हो तो भी मैं नाइट में और 2 घंटे काम कर दूं। स्पेशली बता दूं कि विद्यादय दिन में नहीं, विद्यादय नाइट में काम करती है। हाँ। सबसे बड़ी बात है मुंबई जैसे शहर में, वैसे तो मुंबई में डर नहीं है, बट जब मैं भी इनसे पहली बार मिला था, मैंने अपने उस वीडियो में मैंने फोटो लगाया था कि मैं खुद चौंक गया था कि चलो दिन में तो समझ में आता है, लेकिन विद्यादय रात में गाड़ी चलाते सबसे बड़ी बात। मैं एक बात बताना चाहूंगी, दिन का और रात का। दिन में आपको ट्रैफिक हवलदार परेशान करेंगे, सिग्नल बार बार लगेंगे, ट्रैफिक से आपको परेशान होना पड़ेगा, और दिन में बहुत सारे ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो आपको इंक्रीज कर सकते। तो जब भी आपने नाइट में काम करना चालू किया तो सबसे पहले आपको नाइट में डर नहीं लगा या कोई दिक्कत नहीं कि मैं रात को लेडीज होकर नाइट में काम करूंगी, वो भी मुंबई जैसे शहर में? वैसे तो मुंबई एनी टाइम अच्छा ही है, सेफ है, बट कभी कभी मुझे भी ऐसे कितने सारे से पैसेंजर मिले नाइट के अंदर जो झगड़ा करते हैं, ड्रिंक करके आते हैं या पैसे नहीं देते। तो ये सोच जब भी मैं उनसे खुद मिला था तब मैं खुद शौक हो गया था। दिन रात में हम जैसे लोगों को भी तकलीफ आती है, जब विद्यादय से मिला तो विद्यादय खुद नाइट में काम करते, तो आपको डर नहीं लगा कि मैं नाइट में काम करूं? मैंने जैसे आपको बताया कि डे में ये सब परेशानियां होती है, अगर मिलने हैं ना बुरे लोग तो आपको नाइट में भी मिलेंगे और डे में भी मिलेंगे, उसको आपको फेस करना है। लेकिन अभी तक मुझे 5-6 सालों में मुझे अभी ऐसे कभी लगा नहीं कि मुझे कोई आया और कुछ भी बोल दिया या फिर कुछ भी ऐसे एकदम, मतलब जितना मैं बॉम्बे को जानती हूँ, जितना मैं महाराष्ट्र में रह के, मैं लेडीज लोग के बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं लोग, तो जब मैं फेस अभी तक कभी नहीं किया मैंने कि मैं झूठ क्यों बोलूं। आपको लेकिन डर नहीं लगा जब आपने नाइट में काम चालू किया? फर्स्ट टाइम मैंने जब स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोग पहला सवाल तो ये पूछते आपके हस्बैंड ने परमिशन कैसे दिया। एग्जैक्टली, तो सबसे पहला सवाल तो वो बताना चाहूंगी मैं, मेरे हस्बैंड भी नाइट में जॉब करते हैं और वो भी पूरे बॉम्बे को अच्छे से जानते हैं, वो बड़ी ट्रक चलाते हैं, भाजी नासिक मुंबई वो भी अप डाउन करते हैं, भाजी की गाड़ी चलाते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, तू मुझे अगर हरा सकती है ना तो किसी को भी हरा सकती है, मतलब अपने आप में जोश होना जरूरी है, अपने आप में। अगर तू मुझे टॉप दे सकती है ना तो तेरे सामने कोई नहीं टिक पाएगा, तो किसी को भी दो हाथ करके उसको उसकी जान खतरे में उसे डालनी होगी तो तेरे पास आएगा। तो वो कॉन्फिडेंस उन्होंने दिया। तो उसके बाद तो सबसे पहला तो एक अप्रिशिएट करूंगा कि कोई भी आदमी अपने वाइफ को नाइट में तो परमिशन नहीं देते, जो कम सोच वाले होते हैं। कम सोच वाले की बात नहीं, सोच ये होती है हम सही है, लेकिन रात को जब आप घर से निकलते हो तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि आने वाली अगली ट्रिप कौन सी होगी। वही मुझे बताना है आप लोगों को कि जब आप लोग बोलते हैं कि हमारी पत्नी, हमारी बेटी, हमारी बहू, हमारी बहन घर से बाहर निकल के वक्त आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये सामने वाले को अगर कोई इसको जबरदस्ती भी कुछ बोल रहा है तो यहाँ वो 2 चाटा दे के आएगी, वो वहाँ पे उसको वो सवाल जवाब दे के आएगी, वो घर पे ऐसे नहीं आएगी कि मुझे कोई तो छेड़ रहा है, मुझे ये कर रहा है, वो कर रहा है और मैं घर पे जाके घर पे बताऊं, ये नहीं होना चाहिए। उसको आप इतना इंडिपेंडेंट बनाओ कि वो खुद बताए, खुद अपने सिर्फ काम से ही नहीं होता है कि आप बहुत कमा रहे हो तो आप बहुत सेफ हो, ये काम से नहीं होता, ये आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आपके सामने कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी सिचुएशन हो तो आप खुद उसे फेस करना चाहोगे। और दूसरी नहीं, दूसरी बात बोलूं कि ताई सिर्फ मुंबई में नहीं गाड़ी चलाते, ताई आउट स्टेशन भी करते। हाँ। हर एक दो दिन में तो मुझे जब भी ताई का मेरा बातचीत चालू तक गई हूँ गाड़ी लेके। बाप, तो ये बहुत ही बड़ी बात है, मतलब मैं खुद पहले सोचता था, मतलब मैंने जब भी गाड़ी चलाना चालू किया तो मैं पूना जाने के लिए मैंने 1 बार नहीं 10 बार नहीं 100 बार सोचा था कि वहाँ पे जाऊँ कैसे, वहाँ पे आऊँ कैसे। और जब भी मेरा ताई में से मेरा रोज बात होता है तो ताई रात को 10-10 बजे भी आउट स्टेशन चले जाते हैं, मतलब रात को 1 बजे 2 बजे। हाँ। 3 बजे कभी भी आए, काम आएगा काम ना, के लिए निकले तो काम लेते हैं भाई, ये नहीं सोचते कि वो ट्रिप कौन सा है, उस ट्रिप जो ट्रिप आया वो कहाँ का है और ट्रिप जो लिया है वो कौन कौन है, ये सब नहीं सोचते। आपको मैं एक बता दूं, जब अगर कोई पूछता है, लेडीज ड्राइवर है, उनको मैं पहले बता देती हूँ, लेडीज ड्राइवर है, प्रॉब्लम होगा तो कैंसिल करो बुकिंग, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आ जाऊंगी आपके लोकेशन पे, आपको आपके जहाँ पे आपका लोकेशन है ड्रॉप पिकअप में आपको सही सलामत आपको पहुँचा दूंगी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि लेडीज और एक क्या पहुँचाएगी या जाने लोकेशन पे जाने के पहले उनको कॉल करके बता देती हूँ कि उनको भी डर ना लगे यार लेडीज है पहुँचाएगी नहीं पहुँचा। लेकिन मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है, बैठते वक्त
कुछ और सोच लेके कस्टमर बैठते हैं, उतरते वक्त कुछ और सोच नहीं कमेंट देके जाते हैं। सच में आपको, आप दुनिया के हर एक औरत के लिए बहुत बड़ा एग्जांपल हो कि आप जैसे ही हर किसी ने सोचना चाहिए, या फिर इतना कॉन्फिडेंस खुद के अंदर तो होना चाहिए कि आप किसी से कम नहीं हो, या वो कोई इंसान हो या औरत हो, आपके अंदर एक अलग क्वालिटी होना वो बहुत जरूरी है। और दिखाना चाहिए लोगों को, क्वालिटी अंदर सबके अंदर रहते हैं, लेकिन दिखाते कम लोग जो अपने क्वालिटी को बाहर दिखाते हैं लोगों से। और जो ताई का क्वालिटी होता है मैं खुद अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि जब मैं भी मिला था तुम्हें भी ताजुब हो गया था। मतलब बोलते ना, हम जब आप खुद अगर कोई गाड़ी बुक करते हो, जैसे आप डोर खोलते हो पता चलता है ड्राइवर सीट के ऊपर कोई लेडीज बैठा हो, तो हमें थोड़ा शॉक हो जाता है। और ताई तो आउटस्टेशन मारती है, मतलब सोचो। हाँ, लेकिन गाड़ी भी ताई का ड्राइविंग एक नंबर अच्छा है, मतलब सब चीज़ में ताई तो A1 है, उसमें कोई डाउट नहीं। और अभी एक ही पूछूंगा ताई से कि ताई आप महीने का इसके अंदर से कितना कमाते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल तो हर लोगों के दिमाग में ये होता है अगर कोई नया बंदा अगर न्यू ज्वाइन करता है ओला उबर के अंदर, तो यही पहला सबसे सॉल्व करता है या उसके मन में सबसे पहला डाउट ये था कि अगर मैं अर्टिगा लूँगा या फॉर एग्जाम्पल कोई भी गाड़ी लेता हूँ, अगर मैं ओला उबर के अंदर मैं काम करता हूँ, तो मैं महीने का मेरा कितना सब, मतलब वो चाहे EMI हो या चाहे गाड़ी का खर्चा हो, सब निकल के आप कितना इसके अंदर से बचा सकते हैं। मेरे बोलने से लगा ले या होगा कि 30 दिन का 1.5 हजार, हाँ 1.5 लाख हो जाता है, और 5 एक दिन में अगर 5, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी 30 दिन, महीने के 30 दिन आदमी काम नहीं कर सकता है। छुट्टियाँ भी मेरी हो जाती है, कभी बीमार हुई या फिर कभी घर का काम आ गया या फिर बच्चों को, सभी ड्राइवरों के साथ, तो ये कभी कभी छुट्टियाँ बिटिया सब पकड़ के मैं 80 का टारगेट रखती हूँ। 80 मतलब मेरा जो टारगेट है वो तो मैं कम्प्लीट करती हूँ, और मेरा छूट छट के 80 में आप 40 खर्चा पकड़ लो, 40 आपका इनकम पकड़ लो, अच्छा। कभी कभी ज्यादा भी होता है, ऐसे नहीं आप 80 भी, अगर आपको लगता है कि मुझे 10,000 भी निकलना है तो आप 10,000 निकाल सकते हो। मैं तो सिर्फ हर बार मेरे वीडियो में 15 घंटे में काम करती हूँ, सिर्फ 15 घंटे, वो बहुत कम होते हैं। लोग 24 घंटे गाड़ियाँ चलाते हैं, जैसे मैं हूँ, जैसे मैं हूँ सच में, जैसे दादा है, दादा 24 घंटा 48 घंटा, हाँ उन्होंने टारगेट भी कंप्लीट किया है उनका, तो उनके सच में बहुत, मतलब उनकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम। मतलब मेरा बोलने का कि अगर हमें, अगर समझो कल हमें अगर 10,000 की जरूरत है ना, तो हमारे पास एक जरिया, हम इससे 10,000 रुपया निकल सकते हैं, किसी से मांगने की जरूरत नहीं। बहुत लोग कमेंट करते, अभी भी कमेंट करते कि भाई ये गाड़ी लेगा तो फंस जाएगा। अभी मैं आप लोगों के साथ, और मुझे स्पेशल विद्या था कि मेरे फ्रेंड्स लोगों ने भी मुझे पूछा था कि भाई उनके साथ में वीडियो कभी आएगा, टाइम नहीं मिलता क्योंकि उनका ज्यादा छोटा सा ग्रुप है, उसमें आप देख लो। मैं कल पुणे गई थी, पुणे से मेरा अर्निंग 4,000 का हुआ, 4,000 का हम लोग का डेली का, हम लोग का, और मैंने रात को फिर से वो 4 घंटा बढ़ा के मैंने फिर से 1900 रुपए का काम किया, और मैंने वो पूरा मेरा टारगेट 6,000 का करके मैं घर पे गई। मतलब ऐसे में डेली मेरा है, लेकिन नहीं 6,000 और 7,000 नहीं चाहिए अपने को, अपना जितना है 5 तो 5 बस, उतने में खुश। गाड़ी ये जुदा दे आपका खुद का, ये गाड़ी जी ये मेरी खुद की है, आपको लगा था थोड़ा, हाँ वही मैंने 40,000 वही बताया, 30,000 मेरा EMI, 10,000 हम लोग मेंटेनेंस पर। आपको डाउन पेमेंट इसको कितना लगा था? इसको मैंने 0 डाउन पेमेंट किया था, क्योंकि पतपीड़ा का था और मेरे घर के रिलेशन अच्छे हैं, बैंक घर की थी पतपीड़ी, तो डाउन पेमेंट पूरा उन्होंने किया। 30,000 EMI, और इसका कितने साल तक किया लोन? 5 साल का लोन है। काफी लोगों के दिमाग में आते हैं कि गाड़ी तो ले लिया, उसका EMI कितना है, नहीं है कितना। आप अगर प्राइवेट फाइनेंस से करते हो तो काफी लंबा चौड़ा उसका जो EMI होता है, 6 लाख सिर्फ बैच ही देना है, 10 लाख का 6 लाख में बैच भर रही हूँ, तो उनका मतलब क्या परसेंटेज भी उनका ज्यादा है, 15% से मैंने 10 लाख लिया है, तो उसका 6 में देके आपको लगता है ये सब चीज आप कर सकते हो करके? जी ये कुछ नहीं है, मैंने 30 लाखों का मैंने लोन कंप्लीट किया है, मैंने 2 घर लिए, उसका लोन भी मैं खुद अप्रिशिएट है। मतलब मेरे को तो ये बताना जरूर अच्छा लगेगा कि हम लोग की भी वाइफ है, सब ऐसे नहीं हर को टाइम निकल के काम करना इम्पॉसिबल होता है, लेकिन जो टाइम निकल के काम करते हैं उसके लिए सच में अप्रिशिएट है। बच्ची एक अभी 5-7-8 साल की है, और एक बेटा है मेरा वो 10 साल का है, तो मेरे बच्चे भी तभी इतने छोटे छोटे थे, उनको छोड़ के, उनको समझा के, पड़ोसी के पास रख के, इसके पास रख के, वो सब ना, आप जब तक लाइफ में आपको ना खुद को जब तक निखारने नहीं आएगा ना, आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। आप अपनी परीक्षा लेते रहो, तभी आप लोगों को भी बता सकते हो। और ताई ने सिर्फ अर्टिगा की बात करो, ताई ने अर्टिगा के अलावा भी ताई ने भी कोई तो एक बड़ा गाड़ी चला है, बड़ा भी मेरा ट्रक है, ताई ने चलाते हो। मतलब हम तो सोच के सब ये होते, मेरी तो आपको पता है वेगनर है, बट ताई अर्टिगा चला तो उतना तो ठीक था,
जब उन्होंने बोला कि मैंने ट्रक भी चलाया, तो मैंने बोला कि आपके जैसा कोई नहीं, क्योंकि आप में जो डेयरिंग है ना, वो हम लोग भी सोचते हैं, हम लोग जैसे इंसान भी, अगर मेरे को किसी ने कागज समझो एडिटिंग करते तो मैं 10 बार सोचता हूँ, लेकिन ताई का जो जुनून और जज्बा ना, वो उसके लिए सलाम है, क्योंकि सोच रहे नहीं जिंदगी में, जब तक आप रिस्क नहीं लोगे कोई भी चीज में, तब तक आप उसमें सक्सेस नहीं होगा। आपको पता कैसे चलेगा कि आपको आता है, आपको जब तक आप जाओगे नहीं, अभी मैं पुणे कभी गई नहीं तो मेरे को क्या पता रहेगा पुणे कैसा है, जो आपको पता रहता है कि आप कर सकते तो आप कर लो, एक बार वो एक काम, फेल हो या पास हो, एक बार आप करके देखो। रिस्क लेना जरूरी है, रिस्क के बिना कुछ नहीं, वो एक काम होता है ना कि आप जो भी काम करते हो उसको प्यार से करो, वो डायलॉग है, रिस्क के तो इश्क है, आप जितना रिस्क से हार के बाद जीते, एक बार हारोगे लेकिन सेकंड टाइम आप जीतने वाले हो, तो हमेशा ये याद रखो आपकी कोई भी हर, मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ कि हर एक ड्राइवर ना यही बोलता है ओला उबेर में काम नहीं है। नहीं, बट आपको क्या लगता है ओला उबेर में और भी आगे जाके बिजनेस बढ़ेगा? जी, अभी देखो लॉकडाउन के पहले कुछ था और लॉकडाउन के बाद कुछ है, लॉकडाउन के बाद भी थोड़ा कम रेट था और अभी अच्छा खासा मिल रहा है, अभी रेट भी अच्छा बढ़ गया, मतलब काफी, मतलब जो पहले मिनी जैसे कार को, नाइट में भी नाइट चार्ज भी बहुत अच्छा देते हैं, इसलिए मुझे नाइट में बिजनेस करने में खूब अच्छा लगता है। तो नाइट में करते हो? जी, इसलिए मैं नाइट में करती हूँ कि अच्छा अर्निंग अच्छा हो जाता है, आराम से डेली का 5,000-4,500 आराम से हो जाता है, तो लोकल में आप करते हो तो 4,500-5,000 हो जाता है, लोकल में 4 के अंदर सीएनजी बीएनजी पकड़ के, अगर आउट स्टेशन जा रही हूँ, पुणे जा रही हूँ, तो जाते वक्त आपको 3,200-3,300 से मिल जाता है। और ताई ने पर्सनल कॉन्टेक्ट भी बहुत काफी अच्छे बने, तो अभी हम लोग बात करें तो आप काफी फोन है ताई, लोग बहुत सारे बोलते हैं हम 10 रुपए किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, या 12 रुपए भी बोल दिया तो कस्टमर बोलते हैं नहीं नहीं जाना है। सीएनजी आज के रेट में सिर्फ 2 रुपए कम है, 80 रुपए हो रही है, 80, 76, 78, 75 ऐसा रेट चल रहा है, तो मुझे ये समझ में नहीं आता है आपको बरबड़ तक कैसे आपके पास टोल रहेगा, कैसे जब तक हम लोग एकजुट नहीं रहेंगे तब तक ना, अभी आपने 16 रुपए किलोमीटर का ट्रिप कैंसिल कर दिया तो 14 रुपए 12 रुपए लेने वाले भी बहुत जन है ऐसे। नहीं, मैं लेती नहीं हूँ, 16 रुपए देना है तो बैठो नहीं तो निकलो, वो भी टोल भी उनके पास, पार्किंग जो भी रहेगा उनके पास, स्टे का है तो स्टे का अलग से, उनको अगर का हिंदी थोड़ा ही है। मेरा हिंदी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा, अभी अच्छा, सचिन भाव की वजह से मैं हिंदी बोल पा रही हूँ, अच्छा, अच्छा। नहीं तो मेरे ताई को हम लोग हिंदी बोलने का मतलब इतना ये लगता है ना, ऐसे लगता है कोई टास्क दे दिया हो मेरे को, लेकिन उस टास्क को आप कंप्लीट कर रहे हो भी बहुत बड़ी बात है, टास्क कंप्लीट करना ही सबसे बड़ी बात है, ठीक है। और ताई को महाराष्ट्र का वागिन बोला जाता है, और हम लोग ने भी ताई को महाराष्ट्र वागिन, महाराष्ट्राची वागिन म्हणतात, ताई का मी नीचे मराठीत नक्कीच बोले, नक्की बोला, मला फक्त एवढंच म्हणायचं आहे की जे कोणी भाऊ आपले ड्रायव्हर असतील त्यांनी नक्कीच प्रयत्न तुम्ही करा, ड्रायव्हर म्हणजे आता तुम्ही कोणाकडे ड्रायव्हर आहे, 10,000 पेमेंट आहे तुम्हाला, 10,000 ह्या वेळेला तुम्ही कसं तुमचा महिना किंवा घर चालू शकतात, मुलांचं शिक्षण आहे, परत खूप अशी गोष्टी असतात आपल्या जवळ मागे खर्च असतो, तर जॉब जे करतात ना त्यांचा माइंड सेट असतो, ते एक राऊंड मध्ये फसलेले असतात की मी 8 घंटे काम करणार आणि मला फक्त 40,000 पेमेंट भेटणार, आपल्या लोकांचं तसं नसतं, आपण 8 नाही 15 घंटे काम केलं ना तर आपल्याला जे 10,000 आणायचे किंवा 5,000 आणायचे ते आपण आपलं टार्गेट कम्प्लीट करू शकतो। मला काल ना खूप खंत वाटायला लागली, अरे मी 4,500 कमवले, अजून 2,000 आपले कमी पडतात 1,000, पण ते नंतर परत मला एक बुकिंग पडली, मी पटकन घेतली ती आणि लगेच निघाले। नाही, टार्गेट महत्वाचं, टार्गेट तुम्ही जोपर्यंत आपल्या कामासोबत प्रामाणिक नाही राहत तोपर्यंत तुमचं कामही तुम्हाला रिटर्न देत नाही। जिंदगी में आपको सबसे पहला तो आपको एक टारगेट बनाना है, कोई भी चीज में, चाहे वो काम के रिलेटेड हो या आपके लाइफ के रिलेटेड हो, जब तक आप कोई चीज को उसका टारगेट नहीं बनाओगे तब तक वो टारगेट के पास भी आप नहीं पहुंचोगे। जब भी मैं घर से निकलता हूं तो मैं सोचता हूं कि मेरा 3,000 का बिजनेस होना चाहिए, 3,000 नहीं तो कम से कम 2,500 का तो बिजनेस में। ये जो टारगेट है ना वो ऐसे मुंह से बोल के नहीं होता है, उसे बहुत ज्यादा मेहनत लेनी पड़ती है, आंखों में तेल डाल के गाड़ी चलानी पड़ती है, काम में तो काफी मेहनत है, बहुत टास्क है, अगर एक पलक झपकी दुर्घटना घटती है ऐसा हम लोग का हो जाता है, मतलब बहुत सारे एक्सीडेंट रस्ते पे देखती हूँ, लोगों की मदद भी करती हूँ। बहुत ऐसे कम लोग है जो ड्राइवर भाई अगर रस्ते पे एक्सीडेंट होता है तो भी उनके पास जाने के लिए भी डरते हैं, तो मैं हर बार ऐसी बोलता हूँ कि ग्रुप में या कहीं पे भी वीडियो में बोलता हूँ कि अगर कोई ड्राइवर भाई, बारिश चालू ड्राइवर भाई अगर कोई कहीं पे तकलीफ में दिखता है तो उनको मदद कीजिए। काफी लोगों को लगेगा कि ड्राइविंग बरोबर आता है कि नहीं करके, विद्यार्थी आपको डर नहीं लगता कभी कभी आपको ऐसा गाड़ी चलाते समय?
ट्रैफिक में ये सब चीजें नहीं, ट्रैफिक रहता ही नहीं ना, मैं ज्यादा कर रहा हूं। अभी तो आपको आदत हो गई है, कितना 5 साल का एक्सपीरियंस आपका हो गया। 5 साल से चला रही हूं तो अभी बहुत ज्यादा मुझे एक्सपीरियंस भी आ गया। और स्टार्टिंग में लगता था डर, लेकिन क्या वो बोलते थे कि नहीं चलेगा, तू अगर क्या होगा सामने वाला सिर्फ भरपाई मांगेगा, उसको बोलने का ये इंश्योरेंस है ना, निकाला होगा ना इंश्योरेंस। Baby, can you pray, pray tonight? Now you're coming up to me, fire lighting up the sky. Feel the ground shaking underneath, trying to take me alive. तो गाइज प्लीज कमेंट करके बताना, ये था विद्याताई का गाड़ी और विद्याताई का एक्सपीरियंस आप लोगों ने विद्याताई ने शेयर किया, काफी अच्छा लगा। और वंस अगेन थैंक्स विद्याताई का कि वो एक लोगों के लिए एक मोटिव है, स्पेशली तो हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग भी उनको देखे कभी कभी कि ताजुब होते कि इतना अच्छा अर्निंग विद्याताई करते। और भी हमारे साथ में जो भाई है, जैसे मैं आपको बताया था अर्चना भाई, जो हमको हैदराबाद से मिल रहे हैं, एक कल्पेश भाव, इनका भी मैं अर्टिका का दूंगा। विद्याताई उन्होंने इंट्रो अपना जो इंटर गाड़ी का काफी अच्छा बना है, वो भी आप लोगों को उसका अलग से मैं उनका वीडियो बनाऊंगा, उनके साथ में वीडियो बनाऊंगा। तो ताई दिल से वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, अब हमारे वीडियो में आए। और ताई का भी यूट्यूब चैनल चालू कर रहे ताई, तो उनको सपोर्ट करना और इंस्टाग्राम का नीचे लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे फॉलो करना ताकि उनको आपको पता चलेगा उनका जैसे वीडियो अपलोड चैनल का तो पता चलेगा। तो थैंक यू वेरी मच गाइज वंस अगेन, और मिलते हैं जल्दी से एक नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए गाइस जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र।